हेलो दोस्तों अस्सलाम वालेकुम इसबाल आप सबका तो मेरे चैनल गल्फी टीवी में लेकर हाजिर हूँ एकदम लेटेस्ट अपडेट जैसा कि आप तुम तो हजरात को पता होगा कि आज यानी 16 तारीख से लेकर के 20 तारीख तक एमनेस्टी प्रोग्राम यानी आउट पास चलाया गया है इस आउट पास के तहत जितने भी गैर कानूनी इंडियन हैं जिनके पास पासपोर्ट हो ना हो सिविल आई डी हो ना हो रेसिडेंस वीज़ा हो ना हो समझे ना या फिर आपके पास पासपोर्ट है लेकिन और तमाम डॉक्यूमेंट्स नहीं हैं तो ऐसे तमाम हजरात को इस आउट पास के ज़रिया भेजा जा रहा है उनको अपने मुल्क तो अब यहाँ पर सवाल ये उठता है कि बहुत सारे ऐसे हजरात हैं जिन्होंने मुझसे सवाल किया कि सर हमारे पास पासपोर्ट नहीं है सिविल आई नहीं है वीज़ा नहीं है कुछ नहीं है समझे तो हम क्या करें हम कैसे जाएँ इस इस बात का जवाब मैं भी नहीं दे पाता था क्योंकि मुझे भी इन्फॉर्मेशन नहीं आई थी लेकिन अभी जो इन्फॉर्मेशन आई है उसके से है, उसके तहत अगर मैं बात करूं तो उसके तहत ये बोला गया है कि जिनके पास वैलिड इंडियन पासपोर्ट नहीं है ठीक है और कोई भी सिविल आईडी भी नहीं है इमरजेंसी सर्टिफिकेट भी नहीं है चाहे वो औरत हो या मर्द हो उन्हें जाना पड़ेगा फरवानिया प्राइमरी स्कूल गर्ल्स ब्लॉक वन स्ट्रीट नंबर छिहत्तर जहाँ उनका बायोमेट्रिक आइडेंटिफिकेशन होगा जिसे हम लोग कहते हैं फिंगरप्रिंट और ऐसे तमाम हजरात को अपने साथ कोई भी सामान लेके आने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि इन्हें अभी शेल्टर में नहीं डाला जाएगा यानी कि वो शेल्टर जिन लोगों के पास सारे डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो यहाँ पर आकर के अप्लाई करते हैं तो वो अपने सारे सामान लेकर के साथ में आते हैं क्योंकि वहाँ से फिर उन्हें उस शेल्टर में रखा जाता है और फिर वहाँ से उनकी फ्लाइट कराई जाती है लेकिन आप लोगों के इस स्टेज पर जिसके पास पासपोर्ट सिविल आई कुछ भी नहीं है इमरजेंसी सर्टिफिकेट भी नहीं है उनको जाना पड़ेगा उस जगह पर तो आप लोगों को सामान लेके नहीं आना है क्योंकि हो सकता है आप लोगों को बाद में बुलाया जाए एक बार फिर से मैं एड्रेस बता देता हूँ कि फरवानिया प्राइमरी गर्ल्स स्कूल में जाना है ब्लॉक नंबर एक स्ट्रीट नंबर छिहत्तर ठीक है वहाँ जा कर के आपको करना पड़ेगा तो ये एक अपडेट था जो मुझे लगा कि भैया आप लोगों को बता दूँ इमरजेंसी सर्टिफिकेट के हवाले से और जिनके पास पासपोर्ट नहीं है सिविल आई नहीं उनके हवाले से ताकि आप लोगों के पास अभी टाइम है आप लोग जाकर के वहाँ अपना करवा सकें और आप लोग भी अपने देश यानी इंडिया पहुँच सकें मिलते हो फिर एक लेटेस्ट अपडेट के साथ तब तक के लिए असल दुआ में याद रखें